जो भी हमारा मिलिंग मशीन है ना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ओके, सो मिलिंग मशीन विच इज कनेक्टेड विद दिस कैड मॉडल, इफ वी कैन जनरेट दी सीएनसी प्रोग्रामिंग ऑफ दिस कैड मॉडल विद द हेल्प ऑफ कैम सॉफ्टवेयर्स। सो किस स्लाइसर सॉफ्टवेयर इज देयर विच कैन कन्वर्ट दैट मॉडल इन टू द जी कोड्स विद हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, अगेन वी कैन हैव दिस कटिया ऑल्सो, कटिया कैन ऑल्सो कन्वर्ट और कैन जनरेट दी जी कोड्स फॉर गिवन वट एवर द कंपोनेंट इज देयर, दैट मे बी फॉर द मिलिंग मशीन और दैट मे बी फॉर द योर टर्निंग मशीन और वो लेथ मशीन, व्हाट कैन से सीएनसी लेथ और सीएनसी मिलिंग। ओके, सो दैट कैन बी यूज फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो दिस कैड मॉडल कैन बी इंपोर्टेड इनटू द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर एंड वी कैन जनरेट दी पाथवे और वी कैन जनरेट दी प्रोग्रामिंग फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस। ओके, देन वी कैन हैव दिस कैड एक्सचेंज विथ दिस इज कैम। ओके, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, सो सी इज मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। सो इन दिस सी वी कैन हैव सॉफ्टवेयर लाइक एंसिस, ओके, देन हाइपरमेश, देन वी कैन सी दिस एनी ग्राफिक्स और देर आर मेनी सॉफ्टवेयर, FEST सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो अवेलेबल एज एनालिसिस सॉफ्टवेयर एंड विद हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी कैन एनालाइज, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगा के उसके ऊपर उसको फिक्स कॉम्पोनेंट्स या फिर फिक्स जो पार्ट्स है ना, यहाँ पे फिक्स होता है, वो कंस्ट्रेंट्स दे के हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और वो एनालिसिस इन द सेंस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देन वी कैन हैव द एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ थर्मल एनालिसिस और फ्लूड एनालिसिस भी कर सकते। तो ये सब चीजें हम लोग डाटा एक्सचेंज इसीलिए यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट और डेफिनेशन ऑफ आइडिया वी कैन सी दिस इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैनुअल, इट मे बी मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक। सो वेक्टर डाटा फॉर लाइंस, दिस सॉलिड लाइंस, डॉटेड लाइंस, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन, दिस आर ऑल विच आर इंक्लूडेड इन द कैड मॉडल। ओके, annotation data for the dimensions, value, nodes and symbols, all that things are coming in with the CAD model. Okay, CAD system is what the solid model representation with some associated annotation data. Okay, so we can see the driving forces for CAD CAM data exchange. So fundamental incompatibilities among the entity representations. सो कभी कभी क्या होता है कि सेम इसमें जैसे कि कैड का डाटा कैड में ही ओपन करना है, जैसे कि कैड के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि पहले ऑटो कैड है, उसके बाद कटिया है, क्रीवो है ना, केवो को पहले प्रो ही कहते थे है ना, उसके बाद सॉलिड वर्क्स है ना, यूनिग्राफिक्स है। तो इस तरीके जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फ्यूजन 360 है ना, तो एटोडेस्क के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो उस तरीके से सब प्रोडक्ट्स है, हर एक का डाटा हर एक के इसमें डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर क्रियो में सेम मॉडल बनाया उसका कटिया में डायरेक्टली इंपोर्ट करना है तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूट्रल फाइल बनाएंगे जो किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकता है। वो न्यूट्रल फाइल क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं और वही एक्सचेंज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो करेंसी है वो क्या क्या कर सकते, ये करते हैं हम लोग रुपीज में होती है और अगर अमेरिका में गए हम लोग तो डॉलर्स में होता है ना। सो यहाँ का डायरेक्ट करेंसी लेके उधर हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, बराबर है। उसी तरीके से ये डाटा एक्सचेंज करना है, जैसे करेंसी एक्सचेंज करना है तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस करेंसी में यार, जो डॉलर्स में है। हाँ बोलिए। वो अरबी नाइट में क्यों ना चल रही? ओके एक मिनट।
आ गए। ओके राइट। सो नाउ वी कैन सी, जैसे करेंसी एक्सचेंज होता है उसी तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ डाटा भी यहाँ पे होता है, ग्राफिकल डाटा का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैडकैम सिस्टम, एक कैडकैम सिस्टम का डाटा दूसरे कैडकैम सिस्टम में यूज नहीं हो सकता है ना, तो उसी तरीके से हम लोग इसको यूज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आते हैं रिप्रेजेंटेशन में एक का दूसरे के साथ, दैट इज द वेरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स। जैसे कि यूजर का रिक्वायरमेंट वेरी होता है, इसके बाद रेस्ट्रिक्शन टू एक्सेस है ना, तो डाटाबेस का एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे डिपेंड करता है। देन रैपिड प्लेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, सॉरी रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अभी जैसे ऑटोकैड 2006 में अगर बनाया हुआ कोई कंपोनेंट है ना, सो वो ओपन हो सकता है ऑटोकैड 1820 में भी ओपन हो सकता है, लेकिन ऑटोकैड 20 का कंपोनेंट ऑटोकैड 2006 में ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो फीचर्स उसमें नहीं होंगे। तो जो अपडेटेड सिस्टम है, सिस्टम अपडेट होने की वजह से भी हम लोग एक्सचेंज में प्रॉब्लम आता है। ओके, तो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सचेंज क्या है, शेप डाटा है और नॉन शेप डाटा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बोथ ज्योमेट्रिक एंड टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ज्योमेट्रिक यानी हम लोग ज्योमेट्रिक यानी क्या है कि जो हमारा ज्योमेट्री है ना, सो उसका शेप, उसका साइज, उसके डायमेंशंस, उसके प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये लेंथ, विड्थ, हाइट, ओके, और कलर, जो भी होगा वो ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्लस टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी क्या है, उसका जो भी मटेरियल है ना, उसके साथ उसका प्रॉपर्टीज है, उसका जो भी बाकी चीज़ें हैं है ना, वो उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, कितने कंस्ट्रेंट क्या किए कैसे किए, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन एंड द पार्ट ऑफ फॉर्म फीचर्स, फॉर्मिंग किस तरीके से हुआ उसका है ना, जैसे कि फॉन्ट, कलर, एनोटेशन आर कंसिडर पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ओके, नॉन शेप डाटा में क्या होता है, ग्राफिकल डाटा सच एज शेडेड इमेज एंड मॉडल, ग्लोबल डाटा एज मेजरिंग यूनिट्स ऑफ द डेटाबेस एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द सॉर्टिंग स्टोरिंग द डेटाबेस इन द न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट। ये तो है, उसके साथ डिजाइन डाटा भी है, information that designer generate from the geometric model for the analysis purpose. Analysis के लिए हम लोग बहुत सारे design data भी हम लोग use करते हैं, जैसे कि force है analysis के लिए, और उसके जो boundary conditions है, इसके साथ उसका shape क्या है क्या नहीं, वहाँ पे कौन सा complicated part है ना, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और mass properties and finite element mesh data belongs to this type of data. Design data में meshing का भी data आता है, मेश किस तरीके से किया है उसको, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है, जैसे कि जो कोई भी बड़ा वाला कंपोनेंट है तो उसको फाइनाइट एलिमेंट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यानी क्या है कि नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में या फिर सिमिलर एलिमेंट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि एक एलिमेंट के ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करें और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट यानी क्या है, उसी प्रॉपर्टीज को सभी थाउजेंड कंपोनेंट्स को अप्लाई करना, यानी वही रिजल्ट्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आएंगे, लेकिन कंडीशंस सेम रहेगी सभी को, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग डाटा, मैन्युफैक्चरिंग डाटा के लिए प्रोडक्शन ड्राइंग वगैरह लगेगा, या फिर इंफॉर्मेशन एज अ टूलिंग, कौन सा टूल लगने वाला है, देन इनसी टूल पाथ्स, टॉलरेंसिंग, देन प्रोसेस प्लानिंग है ना, प्रोसेस किस तरीके से जाना चाहिए, कम से कम टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम रिसोर्स में वो प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, और कम से कम टूल्स उसके लिए रिक्वायर्ड होने चाहिए। इसलिए अगर कुछ नई टूल्स लगने वाले हैं तो टूल डिजाइन भी वहाँ पे करना पड़ेगा, और बिल ऑफ मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल लगने वाला है और उसका कितना
कंपोनेंट्स है, कितने यूनिट्स लगने वाले हैं, वो सब हमको बिल ऑफ मटेरियल्स या फिर उसको सभी को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ड्रॉइंग और प्रोडक्शन डाटा। ओके सो ये हम लोग रिक्वायर्ड है, ये दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट डाटा मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है ना, उसी के हिसाब से हम लोग सभी चीजें बनाते हैं, है ना। सो CAD डाटा इज यूज्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो भी CAD का प्रोडक्ट डाटा है ना, तो वो सब हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CAD डाटा बना रहे हैं, है ना। डाटा बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कहें, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जैसे कि देखिए अभी कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से CAD प्रोडक्ट बनाया हम लोगों ने, है ना। CAE टूल है यहाँ पे, और प्रोडक्ट डिजाइन मतलब CAD ड्रॉइंग है यहाँ पे, वो ड्रॉइंग CAE मतलब एनालिसिस करके यहाँ पे जाएगी और उसको एनालिस होने के बाद रिटर्न आएगी, है ना। सो उसको न्यूट्रल फाइल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल फाइल दैट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सो न्यूट्रल फाइल जो है, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ IGES फाइल और दैट मे बी STEP फाइल और दैट मे बी STL फाइल। सो वी कैन सी दिस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डाटा कैन बी शेयर्ड विद द प्रोडक्ट डाटाबेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस और इट कैन बी गोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस प्लानिंग। ओके, in process planning it will be interacted with the manufacturing database, how much the data it will required for the processing or process planning it will take from the product database, and then go for the fabrication, assembly and test operations. Okay, so in that material planning will also include, because while you are fabricating you need material and also you need the assembly processes, assembly line and everything. Okay, so after that it will go for the installation of new products. This is the simple product drawing, so we will see how it can be exchanged. So typical situation, we can have this some of the persons which are using or partner company are using the Unigraphic software. It is a software. Okay, it is the 3D modeling software, you know that IDS. This is also a 3D modeling software. You can use the CATIA also, you can use for 3D modeling. Same, then someone is using small supplier using AutoCAD, someone is using Solid Edge or SolidWorks. So these are the different kind of things or different kind of material or different kind of data we are taking from some suppliers. So major suppliers, partner users, or then small supplier. Okay, everyone is using different kind of software. Sabhi different kind of software hum use kar rahe hain, aur hamare paas CATIA software hai, to hum log unhone diya hua component, kyunki hum log kuch component chote mote jo hai to baki companies ko banane ke liye de denge, to wo component banne ke baad hamare paas aayenge to hum log CATIA mein kaise open karenge usko dekhne ke liye, to usko hum log kya karte hain, unse neutral file mangwate hain. CAD file formats सभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज है. एवरी CAD पैकेज स्टोर द इंफॉर्मेशन इंटरनली इन द फॉर्मेट दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर द पैकेज. मतलब अभी वहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा CAD फॉर्मेट STEP फिजिबल है या फिर IGES फिजिबल है. IGES यानी क्या है, इनिशियल ग्राफिक्स एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन. ओके, सो इट इज वॉट IGES फाइल, मतलब एक्सचेंज के लिए जो न्यूट्रल फाइल बना दी उसको हम लोग IGES बोलते हैं. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी फॉर्मेट कैन बी ओनली बी रीड बाय द स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड आर वर्चुअली यूजलेस टू अदर प्रोग्राम्स. सो ये जिनके लिए हम लोग डिजाइन करें उनके लिए वैलिड रहेगा, अदर प्रोग्राम्स के लिए इनवैलिड रहेगा. सो फॉर मोस्ट modern engineering applications it is necessary to be able to transfer CAD models between the dissimilar computer programs. Okay, also we can see standard file format are the best method for storing the transferring CAD geometries. Okay,
So there are some standard formats. Okay, that is some files are mainly stored on the disk as a ASCII files, ASCII, or binary, with a structure that has been agreed upon by the organizations and represent the various interest group in the CAD/CAM sectors. So ये तो है ही ASCII file या फिर binary coding में उसको convert करते हैं हम लोग. Then the when the standard format are used, data should be easily transported between the system. Although be aware, some vendors do not conform fully to these standards. Okay, some vendors or some companies will not take it as a acceptance, or they will not accept that data. So that are the different issues we are facing while converting the common format for them. Suppose this is program A having CAD file in a format, okay, and this CAD file in standard format. Okay, standard format में है तो यहाँ पे भी exchange हो सकता है, यहाँ पे भी exchange हो सकता है. लेकिन ये CAD file A format में है तो A program के लिए valid रहेगा, B format में है तो B program के लिए valid रहेगा. लेकिन अगर ये A file जो है ना, ये program के लिए और A program, दोनों program के लिए अगर valid है, so that is called as the standard file format. तो एक्सचेंज कैसे होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है ना, IGES एंड STEP. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्टम वन, सिस्टम टू, सिस्टम थ्री, अप टू nth सिस्टम, n नंबर ऑफ सिस्टम आर देयर, है ना. सो वो सिस्टम के साथ एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, न्यूट्रल फाइल चाहिए. कितने भी सिस्टम रहे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फाइल ओपन या फिर एडिट कर सकते हैं, है ना. सो ये न्यूट्रल फाइल हमको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए प्री प्रोसेसिंग लगता है. नेटिव डाटाबेस, ये सपोज प्रोई, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड है, सपोज यहाँ पे प्रोई है या फिर क्रियो बोलते हैं हम लोग अभी इसको. सो नेटिव डाटाबेस यानी प्रोई है ना, उस पर प्री प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, स्टैंडर्ड न्यूट्रल फाइल, दैट में बी IGES फाइल और STEP फाइल, राइट. एंड देन वी आर गोइंग फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग दैट फाइल और ओपनिंग दैट फाइल और दैट इम्पोर्टिंग दैट फाइल इन टू सॉलिड वर्क्स. ओके, सॉलिड वर्क में मुझे इसको इम्पोर्ट करना है तो वहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग होगा. पोस्ट प्रोसेसिंग यानी क्या है, उसी न्यूट्रल फाइल को कन्वर्ट करेंगे सॉलिड वर्क्स के फाइल के फॉर्मेट में. ओके, और इट में बी कन्वर्टेड इन टू ऑटोकैड और दैट में बी ओपन इन टू कटी आल्सो. Okay, so that is native database for this software. Okay, again we can see if I have the file in SolidWorks format. SolidWorks के format में है और उसको हम लोग pre-processing करके neutral file में convert कर रहे हैं. वही हम लोगों को open करना है Proi में, तो Proi में open करने के लिए हम लोगों को post-processing यानी native database को में convert करना पड़ेगा. So neutral file is important. अगर AutoCAD में है तो AutoCAD से हमको क्या करना है, इधर Proi SolidWorks में कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ IGES और STEP. ओके, सो वी कैन सी इनिशियल ग्राफिक एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन, दैट इज IGES. दिस इज अ फॉर्मेटेड ASCII फाइल फॉर्मेट. ASCII फाइल फॉर्मेट क्या होता है, आप लोगों को अभी सी लैंग्वेज अगर कोई पढ़ा रहे हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम कोई पढ़ा रहे हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं, वही आपको बेटर बता पाएंगे, ठीक है. सो ASCII हम लोगों को सिर्फ याद रखना है, ये ASCII फाइल फॉर्मेट में होता है. इट सपोर्ट्स मेनी 2D 3D CAD एंटिटीज. ओके, IGES फाइल दैट मे बी सपोर्टेड बाय 2D ऑल्सो एज वेल एज 3D CAD एंटिटीज और CAD मॉडल्स. सो इट हैज गॉन थ्रू सेवरल वर्जन सिंस
1980 से अब तक बहुत सारे वर्जन इसमें बदले हुए हैं, ओके, एंड इट इज वाइडली सपोर्टेड। आईजीएस फाइल हर जगह पे आप लोग यूज कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम इज आईजीएस मिनी इनकम्पेटिबल फ्लेवर्स आर देयर, ओके, और देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर व्हिच आर नॉट सपोर्टिंग दिस आईजीएस फाइल फॉर्मेट, ओके, और देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो, इट मे बी अनरिलायबल ट्रांसलेशन और पार्शियली फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। सभी कभी कभी क्या होता है कि कटिया का फाइल अगर हम लोगों ने आईजीएस में कन्वर्ट कर दिया और उसको हम लोगों ने एनसीएस में ओपन किया, मतलब कैड से सीए में हम लोगों ने ओपन कर दिया, हम लोगों ने जो देखा था कैड कैम सीए, तो उसमें से कैड का फाइल डायरेक्टली सीए में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, कभी कभी वो कैड में जितने भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने बनाए उसमें से कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पे मिस आउट होते हैं, है ना, वो डाटा एक्सचेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी होता है। इनसफिशियंट सपोर्ट फॉर द कन्फर्मेंस टेस्टिंग, ये भी हो सकता है। तो एसटीपी फॉर स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल डाटा, दैट इज एसटीईपी, ओके, सो दिस इज अनदर फाइल फॉर्मेट, दैट इज न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग द डाटा, ओके, सो इन्फॉर्मेशन इज मॉडल्ड यूजिंग द एक्सप्रेस लैंग्वेज। पहले हम लोग ASCII कोड देखा था, अभी यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस लैंग्वेज एंड हैज एलिमेंट्स ऑफ पास्कल और सी एंड अदर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में भी हम लोग इसको यूज डिफाइन कर सकते हैं। इट कंटेन्स दिस कंस्ट्रक्ट्स फॉर द डिफाइनिंग डाटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स बट नॉट फॉर द प्रोसेसिंग डाटा। It express describes geometry and other information in standard unambiguous way. Okay, so this is simpler format and it has some steps. Okay, the step has some architecture. So layer 1, layer 2, layer 3. It is having the. It is one physical file having implementation method express. Language. It has resource information model and application protocols that are all the conformance testing and test suites. Okay. So classes of STEP. ये हम नहीं देखने वाले है ना, इसका importance ये भी नहीं देखने वाले, ठीक है, इससे और अदर फॉर्मेट से है ना, जैसे कि डी एक्स एफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड पब्लिश बाय दी ऑटोडेस्क, दैट इज ऑटोकैड, डी एक्स एफ फाइल फॉर्मेट होता है ना, देन एसटीएल फाइल फॉर्मेट है, ये 3D फाइल फॉर्मेट यूज फॉर इनपुट फॉर द स्टीरियोलिथोग्राफी। स्टीरियोलिथोग्राफी कहाँ पे देखा हम लोगों ने, यस, किसी को याद है स्टीरियोलिथोग्राफी कहां पे देखा हम लोगों ने, एनी वन ऑफ यू प्लीज, स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग में नहीं देखा, याद आया, 3D प्रिंटिंग के लिए हम लोग STL फॉर्मेट यूज करते हैं और यही हमको पढ़ना है, STL दैट इज क्या है, यस सर, स्टेरियोलिथोग्राफी है ना, STL फॉर्मेट, तो ये हमको 3D प्रिंटिंग, हमारा कंपोनेंट जो है उसको 3D प्रिंट करने के लिए .stl फॉर्मेट में उसको सेव करना होता है और उसको क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा की स्लाइसर जो है 3D प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर, उसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे और स्लाइसिंग करेंगे, स्लाइसिंग यानी मतलब एक लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर वहां पे बनाएगा और उसके हिसाब से लेयर बाय लेयर ही वो डिपॉजिट करेगा मटेरियल, 3D प्रिंटिंग आपने देखा ही है ना, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको सेव करते हैं हम लोग, है ना, हाउ वी कैन सेव दिस कंपोनेंट। सबसे पहले मैं कुछ कंपोनेंट यहाँ पे ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, आई विल ओपन दिस फाइल, एनी फाइल वी कैन ओपन हियर,
ओके सो आई वांट टू ओपन दिस फाइल ओके दिस आई विल ओपन दिस वन ये फाइल जो थी घटिया की फाइल थी इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया है ठीक है इसको हाइड करेंगे हम लोग सो इसको मुझे क्या करना है सेव करना है किस फॉर्मेट में सेव करना है STL IGES और STP तो STEP जो देखा हम लोगों ने उसका एक्सटेंशन क्या है डॉट STP IGES का एक्सटेंशन क्या है डॉट IGS एंड STL का एक्सटेंशन क्या है डॉट STL वी कैन सी हियर सेव एज फाइल में जाना है और सेव एज कहना है यहाँ पे सो इन दिस वी कैन सी कटिया पार्ट की जगह हम लोग डॉट STL यूज कर सकते हैं दिख रहा है सबको डॉट STL देन वी कैन गो फॉर IGS IGS ओके देन वी कैन हैव STP फॉर्मेट ओके इतने फॉर्मेट हमको अभी काम में आने वाले है फर्स्ट STL किसको यूज करेंगे हम लोग 3D प्रिंटिंग के लिए ओके स्टीरियो लिथोग्राफी के लिए हम लोग यूज करेंगे देन सेकंड IGES तो उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब जो भी एक्सटेंशन है दैट इज IGS डॉट IGS में उसको कन्वर्ट करेंगे सो सबसे पहले STL में कन्वर्ट करेंगे इसी को हम लोग सिलेक्ट करिए STL ओके और सेव करेंगे यहाँ पे उसी फाइल में ओके सेव किया सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे है मॉडलेट यस ये STL फॉर्मेट हो गया इसको राइट क्लिक करो और इसकी प्रॉपर्टी चेक करो अभी प्रॉपर्टी चेक करने के बाद आपको पता चलेगा इसका फाइल फॉर्मेट क्या है ये देखिए अभी यहाँ पे ये जो है टाइप ऑफ फाइल इसमें क्या दिखा रहा है आपको डॉट STL दिख रहा है सबको सभी को दिख रहा है ये फाइल फॉर्मेट है टाइप ऑफ फाइल 3D ऑब्जेक्ट है लेकिन किस फॉर्मेट में है डॉट STL फॉर्मेट में है ओके समझ में आया अभी क्या करेंगे हम लोग इसी फाइल को सेव करेंगे सेव एज गो फॉर IGS IGS फाइल फॉर्मेट मॉडल 8 IGS फॉर्मेट में हम लोग सेव करें सेव हो गया है सेव अभी हम लोग उसी को ओपन करेंगे यहाँ पे मॉडल 8 डॉट IGS यहाँ पे इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे प्रॉपर्टीज में क्या है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट डॉट IGS बराबर है दिख रहा है सभी को ओके सो दिस इज योर IGS फाइल दैट इज ऑल्सो न्यूट्रल फाइल देन अगेन वी कैन सेव दिस सेम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ STP दैट इज STEP ओके स्टेप फॉर्मेट में सेव करेंगे इसको ओके अभी फिर से ओपन करके देखेंगे अभी यहाँ पे STP फॉर्मेट है डॉट STP आ गया और इसको हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी सेम टाइप ऑफ फाइल इट इज STP फाइल डॉट STP आ गया ये आप कौन से भी सॉफ्टवेयर में आप ओपन कर सकते हो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कटिया का फाइल जो है न्यूट्रल फाइल हम लोग एंसिस में ओपन करके देखेंगे और फ्यूजन 360 में ओपन करके देखेंगे और नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स में उसको ओपन करके देखेंगे ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं ना नो सर ओके थैंक यू वेरी मच इट इज ऑल अप फॉर दिस टुडेज लेक्चर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर हैव अ नाइस डे